90 के दशक की खूबसूरत और सफल एक्ट्रेस दिव्या भारती आज हमारे बीच नहीं है। 5 अप्रैल 1993 को अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से गिरकर एक्ट्रेस की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। ये राज भी दिव्या के साथ ही चला गया। दिव्या ने बहुत कम समय में सिनेमा की दुनिया में काफी नाम कमा लिया था। उन्होंने दीवाना, विश्वात्मा, शोला और शबनम, क्षत्रिय और दिल का कसूर समेत 22 फिल्मों में काम किया था। दिव्या के निधन को 27 साल हो गए हैं, लेकिन फैंस आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस की एक बहन है जो कि बॉलीवुड में काम करती है। उनकी बहन का नाम कायनात अरोड़ा है। ये दिव्या की कजिन बहन है जो खूबसूरती के मामले में दिव्या से कम नहीं है। कायनात अरोड़ा के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो चलिए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। कायनात ने 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म ग्रैंड मस्ती से अपना डेब्यू किया था। कायनात अरोड़ा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन बॉलीवुड में पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। इन दिनों वो एक्टिंग वर्ल्ड से दूर हैं। फिल्म में अपनी बोल्डनेस और खूबसूरती से कायनात ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। कायनात फिल्मों के साथ साथ कई एड्स में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा कायनात ने अक्षय की फिल्म खट्टा मीठा के एक आइटम नंबर आइला रे आइला में भी काम किया था। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कायनात पंजाबी, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। कायनात ने साल 2015 में आई मलयालम फिल्म लैला ओ लैला में लैला का किरदार निभाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में कायनात ने दिव्या भारती को लेकर कहा था, इतनी फेमस एक्ट्रेस का रिश्तेदार होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। उन्होंने कहा था, मैं दिव्या भारती का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन उनका मेरी बहन होने से मुझे कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि बोझ बढ़ जाता है कि आप दिव्या की सिस्टर हो और लोग आपकी तुलना करना शुरू कर देते हैं। खैर, इन दिनों कायनात अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार खुद की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।